नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जीवित पुत्रिका व्रत की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी शादी के 10 साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। इस बात से वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। कई वैद्यों को दिखाने के बाद और इलाज कराने के बाद सेठानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु एक महीने बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इस बात से सेठ और सेठानी और ज्यादा दुखी रहने लगे। पुत्र के शोक में सेठ जी ने अपना काम धंधा सब छोड़ दिया, जिससे धीरे धीरे उनकी धन संपत्ति भी समाप्त हो जाती है। वह दोनों हर समय संतान के वियोग में तड़पते रहते थे। समय के साथ उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सेठ जी कमाई करने के लिए परदेश चले गए। देखते ही देखते दिन महीने में बदल गए और महीने सालों में बदल गए, परंतु सेठ जी वापस नहीं आए। जो थोड़ा बहुत अनाज घर में बचा था वो भी खत्म हो गया। अब सेठानी भी घर से बाहर काम के लिए निकलती है और एक मैदान से मिट्टी खोदने का काम करने लगती है। जिस मैदान से सेठानी मिट्टी खोदती थी, वहाँ बहुत सारे बच्चे खेलने आया करते थे। उन्हें देखकर सेठानी बहुत खुश होती और कुछ समय के लिए अपना दुख भूल जाती थी। जब वह वापस अपने घर आती तो फिर वह अपने बच्चे के वियोग में तड़पने लगती। अब वह हर रोज काम पर जाती और मैदान में खेलते बच्चों को देखकर खुश होती रहती थी। एक दिन सेठानी जब मैदान में मिट्टी खोदने पहुंची तो देखती है कि वहां एक भी बच्चा खेलने के लिए नहीं आया था। यह देख सेठानी को बहुत दुख होता है। उस दिन सेठानी मिट्टी का एक बहुत सुंदर बच्चे का पुतला बनाती है और शाम को काम खत्म कर उस पुतले को लेकर अपने घर आ जाती है। उस पुतले का नाम सेठानी शामू रख लेती है। अब सेठानी उस मिट्टी के पुतले में अपने बच्चे को देखने लगी और उसके साथ खुश रहने लगी। वह उसे खाना खिलाती, कपड़े पहनाती और उसके साथ खेला करती थी। जब भी वह काम पर जाती, उस पुतले को अपने साथ कपड़े में लपेट कर ले जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सेठानी उस पुतले को लेकर जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ औरतें बैठी पूजा कर रही थी। सेठानी उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, बहन ये आप कौन सी पूजा कर रही हैं? इस पूजा से क्या फल प्राप्त होता है, मुझे भी बताइए। तब वह औरतें बोली, इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत है। यह व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है। जो महिलाएं विधि विधान से यह व्रत करती हैं, यदि उनके संतान है तो उसे लंबी आयु प्राप्त होती है, और यदि संतान नहीं है तो उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होता है। यह सुनकर सेठानी सोचने लगी, मैं भी अपने पुत्र शामू के लिए यह व्रत करूंगी। अब सेठानी ने मन में ठान लिया कि अगले वर्ष से वो भी अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्र का व्रत किया करेगी। समय बीतता है और अगले वर्ष फिर से जितिया का व्रत आता है। तब सेठानी पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है। दिन रात जित भगवान से अपने पुत्र शामू की लंबी आयु की प्रार्थना करती रहती है। अगले दिन सेठानी ने जितिया व्रत का पारण पूरे विधि विधान के साथ किया और फिर हमेशा की तरह अपने काम में लग गई। एक दिन वो उस पुतले को लेकर काम पर गई तो उसे महसूस हुआ कि वह पुतला हिल रहा है, लेकिन उसने सोचा कि ये उसकी गलत फहमी है। उसने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद उसे बच्चे के रोने की आवाज आई तो वो आश्चर्य में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने बच्चे का कपड़ा हटाकर देखा तो देखती है कि पुतले की जगह एक छोटा बच्चा था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई और समझ गई कि ये सब ज्योत भगवान की कृपा से हुआ है। मिट्टी के पुतले में भी ज्योत वाहन भगवान ने जान डाल दी है। वह ज्योत भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाती है। रास्ते में सभी लोगों को बताती है कि ज्योत भगवान की कृपा से मेरा मिट्टी का पुतला पुत्र बन गया है। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, सेठानी तो लगता है पागल हो गई है। मिट्टी का पुतला भी कभी जीवित हो सकता है?
लेकिन मिट्टी के पुतले की जगह बच्चे को देखकर सब समझ गए कि सेठानी पर जीव भगवान की कृपा हुई है। उधर सेठ जी जो कमाने के लिए विदेश गए हुए थे, जीव भगवान की कृपा से उन्हें भी अपनी पत्नी की याद आई तो वो भी अपना कमाया सारा धन लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में चोरों ने उनका सारा धन लूट लिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ दो रोटी थी जो उन्होंने रास्ते के लिए बांधी थी। जब सेठ जी थोड़ा आगे चले तो रास्ते में जीव भगवान एक साधु का भेष धर कर वहाँ आए और सेठ जी से कहने लगे, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सेठ जी ने अपने पास रखी दोनों रोटियाँ उन साधु को दे दी। साधु ने एक रोटी ले ली और एक वापस बांधकर सेठ जी को दे दी और कहने लगे, ये बचा हुआ खाना तुम अपने साथ ले जाओ और अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाना। सेठ जी जब अपने घर आए तो देखते हैं कि उनकी पत्नी एक बच्चे को खिला रही है। बच्चे को देखकर सेठ जी बहुत नाराज हुए। तब सेठानी ने जीव भगवान की कृपा की सारी बात सेठ जी को बता दी। यह सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। फिर सेठ जी ने रास्ते की सारी बात सेठानी को बता दी और कहने लगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी पोटली में एक रोटी बची है, वो मुझे ला दो, उसे खाकर मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। सेठानी जाकर जैसे ही पोटली खोलती है तो देखती है कि पोटली में बहुत सारे हीरे मोती सोने चांदी जवाहरात आदि भरे हैं। यह देखकर वो चौंक जाती है और सेठ जी से जाकर कहती है, आप तो कह रहे थे कि आपका सारा धन चोरों ने लूट लिया, लेकिन आपकी पोटली में तो ढेर सारा धन भरा है। तब सेठ जी जाकर उस पोटली को खोलकर देखते हैं तो पोटली सोने चांदी हीरे मोती से भरी थी। यह देखकर सेठ जी सेठानी जी से कहने लगे, यह सब तुम्हारे व्रत का फल है जो तुम्हें पुत्र मिला और इतना सारा धन दौलत मिला। दोनों मिलकर जीव भगवान की जय जयकार करने लगते हैं।